शुरुआत में हम सारा को ड्राइव करते हुए देखते हैं। एक्चुअली सारा अपने पति से सेपरेट हो गई थी, तो एक न्यू लाइफ शुरू करने के लिए वो अपने बेटे क्रिस को लेकर दूर आयरलैंड के एक रूरल जगह पर रहने चली आती है। बट रास्ते के बीच में अचानक से एक बूढ़ी औरत आ जाने पर कार के एक्सीडेंट होते होते रह जाती है। इसके बाद सारा उस बूढ़ी औरत से उसके हाल चाल पूछती है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती। फिर सारा जब कार की टूटी हुई साइड मिरर को लेने जाती है, तब वो नोटिस करती है कि वो बूढ़ी औरत क्रिस को अजीबो तरीके से घूरे जा रही है, जिसे देख सारा थोड़ी डर जाती है और वहाँ से निकल के अपने नए घर में चली जाती है। अब नए घर में क्रिस मकड़ी को देख के डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। इसके बाद सारा उस स्पाइडर को जार में बंद कर लेती है और बाहर उसे छोड़ने जाती है। पर उसी टाइम क्रिस अपने पापा को बहुत मिस करने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ पर उसके डैड होते तो वो इस स्पाइडर को रिलीज नहीं करते बल्कि उसे मार डालते। अब यही सब बातों के दौरान सारा और क्रिस की फाइट हो जाती है और क्रिस गुस्से में स्पाइडर को कुचल के जंगल की तरफ भागने लगता है। इसके बाद सारा उसे फॉलो तो करती है, पर घने जंगल के अंदर क्रिस उसे कहीं नहीं दिखता है। अब ढूंढते हुए सारा जंगल के बीच चली जाती है, जहां उसे बहुत बड़ी एक होल नजर आती है एंड उस होल को देखकर क्रिस के लिए वो और ज्यादा परेशान होने लगती है। बट तभी पीछे से क्रिस आ जाता है और उसे सही हालत में देख के सारा को रिलीफ मिलता है एंड फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। अब एक रात सारा अपने कुछ दोस्तों को डिनर पार्टी में बुलाती है, जहां उसके दोस्त नोरीन और उसके बेटे जेम्स के बारे में बात करने लगते हैं। उनकी बातों से सारा को पता चलता है कि ये नोरीन नाम की औरत और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जो उस दिन उनको रास्ते में मिली थी। सारा के दोस्त बताते हैं कि एक दिन नोरीन अपने बेटे के क्लासरूम में आ गई थी और उसपे बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। बाद में पुलिस को आना पड़ा था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ महीने के बाद एक्सीडेंट से जेम्स की मौत हो जाती है। बट लोगों का कहना है कि नोरीन ने अपने बेटे को गाड़ी से कुचलकर मारा है। अब उसी रात सारा को घर में जोरों से आवाजें आने लगती हैं। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर पर क्रिस नहीं है। सारा जल्दी से जंगल की तरफ भागती है क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिस फिर से जंगल में भाग गया है। बट कुछ देर बाद वो घर लौट आती है और पुलिस को कॉल करती है। बट तभी अचानक से क्रिस अपने कमरे से निकलता है और कहता है कि वो कहीं नहीं गया था बल्कि अपने रूम में ही था। अब इससे सारा को लगता है कि वो एंजाइटी की वजह से हैलुसिनेट कर रही है, जिसके चलते वो नेक्स्ट डे डॉक्टर दिखाने जाती है और अपने लिए दवाई लेके आती है। बट उसी दिन से क्रिस के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आ गए थे। जो लड़का काफी शांत और चुपचाप रहा करता था, वो नए स्कूल के दूसरे दिन में ही काफी सारे दोस्त भी बना लेता है। अब स्कूल से घर लौटते टाइम नोरीन फिर से रोड के बीच में खड़ी हुई होती है। सारा कार से निकल के उन्हें रस्ते के बीच से हटने के लिए कहती है, बट नोरीन क्रिस को देख के कहने लगती है कि वो सारा का बेटा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ नोरीन का हस्बैंड डेस आ जाता है और सारा को अपनी बीवी के तरफ से सॉरी बोलता है। पर वहाँ से जाने के टाइम नोरीन फिर से कार के सामने आ जाती है और क्रिस सारा का बेटा नहीं है बोलते हुए अपने सर को कार के विंडो पे मार देती है, जिसे देख के सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और क्रिस को लेकर घर चली आती है। फिर अगले दिन सारा उस ओल्ड कपल के घर जाती है, लेकिन गार्डन में घुसते ही उसको नोरीन की लाश मिलती है बहुत ही बुरी हालत में। इसके बाद सारा नोरीन के फ्यूनरल पर उनके घर जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि घर के सारे मिरर्स काले कपड़ों से कवर्ड है। अब आगे जाके वो डेस्क से मिलती है और उनको पूछने लगती है कि नोरीन को ऐसा क्यों लगता था कि क्रिस उसका बेटा नहीं है, जिसके जवाब में डेस्क बताता है कि नोरीन को अपने बेटे जेम्स को लेकर भी ऐसा ही लगता था। जब जेम्स 8 साल का था, तब अचानक से एक दिन नोरीन कहने लगी कि ये उनका बेटा नहीं है और ये लड़का जेम्स बनने का ढोंग कर रहा है एंड ये सब बातें वो आईने में जेम्स के रिफ्लेक्शन को देखकर कहती थी। बाद में धीरे धीरे यही चीज नोरीन की आदत बन गई और वो अपने ही बेटे पर शक करने लगी। इसके बाद सारा जेम्स के मौत के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि जेम्स की मौत नोरीन की वजह से नहीं बल्कि डेस्क के कार से हुई थी। इसके बाद एक दिन जॉगिंग करते हुए सारा को जंगल में उस बड़े से होल के पास से क्रिस की टॉय मिलती है। फिर घर आके सारा जब क्रिस को सच बताने के लिए कहती है कि वो जंगल में गया था या नहीं, तो क्रिस गुस्से में अपनी मॉम की तरफ डिनर टेबल
टेबल को ढकेल देता है, जिससे देख के सैरा काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि एक बच्चे के लिए इतनी भारी टेबल को ढकेल पाना इजी बात नहीं है। अब उसी रात को नहाते वक्त सैरा को क्रिस के रूम में से अजीब सी आवाजें आने लगती है, लेकिन जब वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि क्रिस जो पहले मकड़ियों से इतना ज्यादा डरता था वो उन्हें पकड़ के खा रहा है। अब यही सब देखने के बाद अगले दिन सैरा क्रिस को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती है, बट डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताते हैं। लेकिन इतने सारे अजीब से हादसों के बाद सैरा को क्रिस पर डाउट होने लगता है और इसीलिए वो क्रिस के रूम में कैमरा फिट कर देती है ताकि वो जान पाए कि क्रिस रात को अकेले रूम में क्या करता है। अब नेक्स्ट डे सैरा जब फुटेज चेक करती है तो वो श्योर हो जाती है कि ये उसका लड़का नहीं है। इसके बाद वो जल्दी से डेस्क के पास जाके उसे वो फुटेज दिखाती है और कहती है कि नोरीन सही थी, ना तो वो उनका बेटा जेम्स था और ना ही अभी क्रिस उसका रियल बेटा है। सैरा डेस्क को समझाने की कोशिश करती है बट डेस्क गुस्से में कैमरा फेंक देता है एंड उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब घर आके सैरा क्रिस के खाने में अपनी नींद की दवाई मिला देती है और खाना खत्म करके क्रिस को एक गेम खेलने के लिए बोलती है, जो कि वो लोग पहले अक्सर खेला करते थे, पर इस बार क्रिस को उस गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है और वो सैरा को क्लूलेसली देखने लगता है। इसके बाद सैरा उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। पहले तो क्रिस सैरा को समझाने की कोशिश करता है, बट जब वो देखता है कि सैरा को सच्चाई पता चल गई है तो वो उसे मारने लगता है, फिर घसीटते हुए उसे गार्डन में लेके जाता है और नोरीन के तरह ही सैरा के सर को भी जमीन में गाड़ देता है ताकि सैरा मर जाए और किसी को कुछ पता ना चले। बट तभी दवाई का असर होने लगता है और क्रिस बेहोश हो जाता है। एंड इधर सैरा को भी सही टाइम में होश आ जाती है और वो खुद को फ्री कर लेती है। इसके बाद वो क्रिस को घर के बेसमेंट में लेके आती है और टूटी हुई साइड मिरर को उसके मुंह के सामने पकड़ती है, जहां उसे रिफ्लेक्शन में एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देती है। अब उसी टाइम पे फेक क्रिस को भी होश आ जाता है और वो सैरा के ऊपर हमला कर देता है, बट सैरा जैसे तैसे करके खुद को बचा के बेसमेंट से बाहर आ जाती है और उस एंटिटी को उधर ही बंद कर देती है। इसके बाद वो उस बड़े से होल के पास चली जाती है और उसके अंदर जाने लगती है, जहां रियल क्रिस उसे बेहोशी के हालत में मिलता है। इसके बाद सैरा जब क्रिस को लेकर बाहर आ रही होती है तो उसको वहां टनल में बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर्स भी दिखाई देते हैं। वो कैसे भी करके टनल के एंड तक पहुंच जाती है, बट तभी एक मॉन्स्टर आके सैरा का हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर सैरा में बदल जाता है। इसके बाद सैरा और क्रिस जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलते हैं और फिर घर चले आते हैं। सैरा क्रिस को कार में बिठाती है और फिर उस फेक क्रिस को खत्म करने के लिए घर में आग लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा क्रिस को लेकर एक नए सिटी में रहने आ गई है, जहां सैरा कॉन्स्टेंटली क्रिस के बिहेवियर को चेक करती रहती है। अब लास्ट सीन में जब क्रिस बाहर खेल रहा होता है तो सैरा उसकी फोटोज लेके उसे चेक करने लगती है, बट वो नोटिस करती है कि दूसरे फोटोज के बदले क्रिस की फेस ब्लडी आया हुआ है। दोस्तों सैरा टनल से यही सोच के उसे घर लेके आई थी कि वो रियल क्रिस है, बट क्या सच है और क्या फेक है, इसी सस्पेंस के साथ मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।